hello and welcome to this pmis academy today we will analyze important newspaper articles of 6th december 2023 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper first article is about climate club this topic is important from our syllabus gs paper 3 environment point of view so, आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर ट्वेंटी एट हाल फिलहाल में कंडक्ट कराई जा रही है इन दुबई फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो वहां पे जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं ऑल सच डेवलपमेंट्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम तो और इससे रिलेटेड यूपीएससी में तो अक्सर सवाल आते ही रहते हैं तो एक और उससे रिलेटेड एक डेवलपमेंट हुई है हाल फिलहाल में उसका नाम है क्लाइमेट क्लब क्लाइमेट क्लब फॉर्मलीस ट्वेंटी uh, uh, Climate Climate आपको पता है दुनिया के आठ कंट्रीज थे जिनका मिलाकर के ग्रुपिंग था जी एट बाद में रशिया वॉज एक्सपोर्ड एक्सपेल्ड आउट ऑफ इट आफ्टर इट्स इन टू थाउजेंड फोर्टीन तो तब से बन गया है जी सेवन जी सेवन का इनिशियटिव है क्लाइमेट क्लब उसमें भी बाकी सपोर्टिंग कंट्रीज भी हैं तो मेन इसको लीड करने वाले कंट्रीज हैं जर्मनी एंड चिली चिली इज नॉट पार्ट ऑफ जी सेवन बट ओवरऑल जी सेवन स्टैब्लिस्ड क्लाइमेट क्लब एंड फर्दर एट कॉप ट्वेंटी एट क्लाइमेट क्लब हैज बीन फॉर्मली लॉन्च इट इंक्लूड्स मैनी अदर कंट्रीज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जी सेवन लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लाइमेट क्लब क्लाइमेट क्लब की अगर बात की जाए तो इसके अंदर तीन मेन एरियाज हैं जिनको कहा गया है पिलर्स ऑफ क्लाइमेट क्लब एडवांसिंग एंबिशियस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी स्टेप्स लेने हैं उनको फर्दर किया जाए ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज तो मेकिंग इंडस्ट्रीज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बूस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप इन द डायरेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन तो ये जो क्लाइमेट क्लब होगी इसके दो दो साल की चेयरमैनशिप होगी द फर्स्ट फेज जर्मनी होल्ड को चेयरमैनशिप ऑफ क्लाइमेट क्लब क्लाइमेट क्लब का अपना एक सेक्रेटेरिएट होगा उस सेक्रेटेरिएट को मैनेज करेंगे ओई एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन अ ज्वाइंट फैशन ये सारी बातें मुझे लगता है सीधा सीधा क्लाइमेट क्लब के बारे में मेंस में, में प्रश्न नहीं आएगा फिल्म में आ सकता है सीधा सीधा मेंस में आप कहीं पासिंग रेफरेंस में लिख सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर ट्वेंटी एट में क्या मेजर फैसले हुए वहां पे आप तमाम चीजों में क्लाइमेट क्लब को लिख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड इन मेंस बट येस इन डायरेक्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड क्लाइमेट क्लब फॉर्मली लॉन्च एट कॉप ट्वेंटी एट डुबाई जी सेवन इनिशिएटिव लेड बाई जर्मनी एंड चले इंडिया नॉट एम्बर थ्री पिलर्स एम्बिस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड बूस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप सेक्रेटेरिएट विल बी मैनेज बाई आई एंड ओई इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज दिस तो ज्यादातर न्यूज एनवायरमेंट रिलेटेड ही होंगे अगेन दिस न्यूज इज विस्पेक्ट जी एस पेपर थ्री तो इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस समझने के लिए पहले आपको समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैसे तो ये आप समझ चुके होंगे ऑलरेडी अपने बेसिक एनवायरमेंट क्लास में इसी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस रिफ्लेक्ट देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सरल भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस की कितनी कैपेबिलिटी है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने की उसको रिफ्लेक्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो ऑफकोर्स वन होगा कार्बन डाइऑक्साइड अपने तुलना में कितना ग्लोबल वार्मिंग करता है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वन रेफरेंस इज कार्बन डाइऑक्साइड इट तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी बन मिथेन की अगर बात की जाए तो इट इज ट्वेंटी फाइव नाइट्रोसऑक्साइड थ्री हंड्रेड देर आर लाइक फ्लोरिनेटेड गैसेज एन ऑल Um उनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थाउजेंड्स में थाउजेंड टू टेन थाउजेंड प्रश्न उठता है कि वेन द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल टू अदर तो भले इनका वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है बट इनका कंसेंट्रेशन एटमोसफेयर में कम है उसके अलावा रेजिडेंस टाइम कहते हैं जितने टाइम तक एटमोसफेयर में स्टे कर सकते हैं रेजिडेंस टाइम इज लेस एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लोग एटमोस्फेयर में कम समय तक स्टे कर सकते हैं अगेन दे सेटल डाउन और गेट अप जॉब कार्बन डाइऑक्साइड कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्लस इट्स कंसेंट्रेशन इज हाई सो ओवरऑल द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लोबल वार्मिंग इज हाईअर एज कंपेयर टू दीज गैसेज बट देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इट्स मतलब सिर्फ अगर हीटिंग करने की कैपेबिलिटी देखी जाए फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि एक दिन में एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना हीटिंग करता है और मिथेन कितना हीटिंग करता है देन यू विल फाइंड कि मिथेन हीट्स मच मोर 25 टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड तो दिस इज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग तो मिथेन गैस की अगर हम बात करें बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू मिथेन गैस मिथेन गैस सी एच फोर होता है राइट right? उसका केमिकल फार्मूला इज पार्ट ऑफ नेचुरल गैस दो हजार इक्कीस में जो एपीएससी फिल्म हुआ था उसमें सीधा सीधा उन्होंने पूछ लिया था कि नेचुरल गैस मतलब क्या होता है आंसर वुड बी मिथेन सी एच फोर तो मिथेन एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है विच इज कॉम्पोनेट ऑफ नेचुरल गैस एज सेड मिथेन के रिलीज होने के अलग अलग सोर्सेस हैं जिन जी जिन सोर्सेस से वो एटमोसफेयर में रिलीज होता है वो अगर आप देखें तो उसमें मेन सोर्सेस हैं एग्रीकल्चर एंड कैटल्स के अंदर इंटेरिक फर्मेंटेशन तो हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अलग अलग पॉलिसीज बनाते ही रहते हैं बट मिथेन इज ऑल्सो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस तो उसको लेकर के भी पॉलिसीज हैं इनिशिएटिव हैं लेकिन उसके पहले एक बच्चा देख लेते कि मिथेन असल में मेनली प्रोड्यूस कहां से होता है तो मिथेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ह्यूमन सोर्सेस पे भी पर देर आर सम नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो उसमें भी मेन जो मिथेन का इमिशन वाला एरिया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर से मिथेन मेनली रिलीज होता है तो एग्रीकल्चर में क्या होता है जिस कारण से मिथेन रिलीज होता है वो देखते हैं मेनली देखिए जो कैटल्स होते हैं वेन दे ईट फूड तो वो खाना वो च्यू करके उनके स्टमक में जाता है उनके स्टमक में उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रोसेस शुरू होता है इसको कहा जाता है इंटेरिक फर्मेंटेशन तो उसमें ये एनिमल्स अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पेट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे स्टार्ट गोइंग इन टू अ प्रोसेस नोन एज इंटेरिक फर्मेंटेशन वो इंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्राइंग टू डाइजेस्ट द फूड वहाँ पे प्रोसेस होता है इंटेरिक फर्मेंटेशन उस इंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान काफ़ी सारा मिथेन रिलीज होता है जो कैटल्स का बेल्चिंग के थ्रू रिलीज होता है मिथेन तो फ्लैटुलेंस के थ्रू भी थोड़ा रिलीज होता है belching के 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 भी होता होता है। है, अंदर अंदर ये methane का कम काफी ज्यादा होता है सो मिथेन इज मोस्टली रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें भी बिकॉज ऑफ इंटेरिक फर्मेंटेशन गोइंग ऑन इन द स्टमक ऑफ काटल दूसरा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस स्पेशली प्रैक्टिस लाइक राइस कल्टिवेशन देखिए राइस कल्टिवेशन के दौरान करना क्या होता है फील्ड को वाटर लॉगिंग करके रखना होता है और फिर वहां पर राइस सोइंग की जाती है तो जब भी वॉटर लॉगिंग होता है तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो वाटर के अंदर एनेरबिक कंडीशन में यानी कि एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में जब वो रेस्पिरेशन uh, करते हैं तो दे इन एनारोबिक एन सर्टेन बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस मिथेन तो राइस फील्ड से पैडी फील्ड से खासकर जब वहां पर वाटर लॉगिंग होती है सोइंग के टाइम में तो वहां पे सॉइल लेवल पे जो पानी के नीचे सॉइल लेवल है वहां पे बैक्टीरियाज अंडर एन एरो कंडीशन दे रिलीज मिथेन वो मिथेन अल्टीमेटली इमर्जेस आउट एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स और मेजर सोर्स ऑफ मिथेन इन द एमॉसफेयर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग अगर बात की जाए दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की रिलीज so की तो यूं इंटेरिक फॉर्मेंटेशन इज मेजर सोर्स ये यूएस का डेटा है मिल गया मुझे तो मैंने दे दिया यूएस के अंदर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द मिथेन कम्स फ्रॉम इंटेरिक फॉर्मेंटेशन बट वर्ल्ड वाइड इफ्यूसी

वट आर द बिगर सोर्स ऑफ मिथेन इन द एटमोस्फियर अब मिथेन से रिलेटेड हमने कई सारी बातें समझ ली कि मिथेन होता क्या है मिथेन कहाँ से आता है और मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पे कितना इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका पच्चीस है ये सब चीजें हमने समझ ली अब जरा देखते हैं करेंट डेवलपमेंट पे देखिए मिथेन किन किन जगहों पर कितना इमिट हो रहा है इसको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है मिथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स सिस्टम यह मार्स सिस्टम को लॉन्च किया गया था पिछले साल की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर ट्वेंटी सेवन हुई थी इन सरमल सेख इजिप्ट वहां पे मिथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम इसको कहते हैं मार्स उसको रिलीज किया गया था मार्स इज अ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जिसका काम है कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे मिथेन कितना रिलीज हो रहा है उसको ट्रैक करे और कंट्रीज को नोटिफिकेशन भेजे कि आपके यहाँ मिथेन रिलीज ज्यादा हो रहा है सो दैट कंट्रीज टेक रेमेडियल मेजर्स तो मार्स ने पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था मार्स को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है यू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल मिथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी आई उसी से रिलेटेड ये न्यूज है मार्च को दो हजार uh, में कौन 27 में लॉन्च किया गया था बट मार्च हैीजन ऑफ द वर्ल्ड अबाउट मिथेन रिलीज ये बोर्ड वर्क है मिथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम मिथेन क्या होता है सी एच फोर पार्ट ऑफ नेचुरल गैस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज ट्वेंटी फाइव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग विद रिस्पेक्ट सी ओ टू तो दैट मीन्स इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली एज फार एज इट्स पोटेंशियल इज कंसर्ड मिथेन का मेन सोर्स होता है इंटेरिक फर्मेंटेशन अमंगस्ट कैटल विच इज बेसिकली अ डाइजेशन प्रोसेस उसके अलावा एग्रीकल्चर ओवरऑल इज ऑल्सो बेसिस फॉर

कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जिस पे पत्र इंडियन इकॉमी पॉइंट ऑफ देखिए कॉटन प्रोडक्शन को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इन माई न्यूज पेपर 2023 फर्स्ट टॉपिक ही है जहाँ मैंने आपको बताया है कि कॉटन क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंड्यूसिव कंडीशंस होने चाहिए जोग्राफी परस्पेक्टिव से वहां पे भी मैंने आपको एक बात बताई थी अगर आप दो तीन महीने से न्यूज पेपर सुन रहे हो तो आपको मैंने बात बताई थी कि कॉटन प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर इसने पिकअप करना शुरू किया सिंस 2002-2003 इट बाय द टाइम ऑफ 2012-13 2012-13 एंड देन अगेन सिंस इट इज शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड कॉटन प्रोडक्शन तो अगर आप देखें तो टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू तक कॉटन प्रोडक्शन हमारे देश में होता था टू सेवेंटी एट हेक्टेयर एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ 278 किलोग्राम पर हेक्टेयर 278 किलोग्राम पर हेक्टेयर इट पीक्ड अप टू ऑलमोस्ट डबल दैट इज समेर क्लोज टू 566 किलोग्राम पर हेक्टेयर 2013-14 एंड सिंस देन इट इज अगेन डिक्लाइनिंग एंड करेंटली इट हैज कम डाउन टू 447 किलोग्राम पर हेक्टेयर सबसे पहले समझते हैं कि ये बूट के पीछे क्या कारण था ये राइस के पीछे कारण था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इसका नाम है बीटी टेक्नोलॉजी बैक्सिलस टी टेक्नोलॉजी सी टेक्नोलॉजी इज अ काइंड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन अप्रोच इसमें क्या किया जाता है कि कॉटन को नॉर्मल कॉटन क्रॉप है अभी नॉर्मल कॉटन क्रॉप में अलग अलग तरह के पेस्ट्स इसको अटैक कर सकते थे नॉर्मल नॉर्मल कॉटन कॉटन वेरी टू स्पेशल काइंड ऑफ पेस्ट जिनका नाम है पिंक तो में में इनके जीन्स में, एक स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया के जीन्स थोड़े से मिक्स कर दिए गए जेनेटिकली इसको मॉडिफाई कर दिया गया इस स्पेशल तरीके बैक्टीरिया का नाम है बैक्सिलस थेनेसिस दिस इज हाउ वो हाइब्रिड कॉटन हाइब्रिड नहीं इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाएगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वॉज क्रिएटेड जिसका नाम है बी कॉटन

कॉटन की प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर बढ़ी इट स्टार्टेड पीकिंग अप सो साल 2000-2001 से लेकर के 2013-14 तक कॉटन की प्रोडक्शन के पीक करने के पीछे कारण था मेन रीजन था इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी टेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं कंसीडरिंग इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर द कंट्री लेकिन 2013-14 से ये डिक्लाइन कर रहा है

अब दिक्कत क्या है कि नॉर्मल पेस्टिसाइड्स उनके ऊपर काम कर नहीं रहे हैं बिकॉज दीज पिंक बॉलवर्म्स आर मॉडिफाइड वन डेवलप्ड इवॉल्वन नॉर्मल पेस्टिसाइड्स आर नॉट वर्किंग जो पेस्टिसाइड पहले काम भी कर लेते थे नॉर्मल कॉटन क्रॉप के ऊपर पिंक बॉलवर्म को मार भी देते थे नाउ नीज पेस्टिसाइड्स आर बिकमिंग इन इफेक्टिव एंड अब नीटी कॉटन इज ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रॉयड टू सम एक्सटेंट समय दीज पिंक बॉलवर्म पेस्ट सो दैट इज द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन तो इसी कारण से इट हैज बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न इसीलिए सितंबर महीने में भी हमने कॉटन रिलेटेड एक टॉपिक uh, डिस्कस किया था कि कॉटन का प्रोडक्शन हमारे देश में गिर रहा है विच विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इनकम ऑफ फार्मर्स तो इसलिए कॉटन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने हाल फिलहाल में एक इनोग्रेशन uh, के दौरान कहा कि इंडिया विल स्ट्राइव टू तो बिकम द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड अगेन बेसिकली एक uh, एनुअल मीटिंग चल रही थी ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी आईसीएसी सी एक यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज बॉडी है जिसका मुख्य काम है कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन डेवलप कराना तो वही आईसीएसी के uh, को एड्रेस करने के दौरान हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड कॉमर्स ने कहा कि ठीक है वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ कॉटन बट विथ टाइम वी विल ट्राई टू अगेन फाइंड सम solution इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू become world's लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर अभी ये आई सी ए सी की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बतायाइज बॉडी है विद ऑफ ब्रिंगिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टूगेदर इन ऑर्डर टू प्रोमोट कॉपरेशन बिटवीन दम ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना एंड तुर्क टू ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर नॉट पार्ट ऑफ आई सी ए सी तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि भारत कोशिश कर रहा है कि दुनिया का पहला देश बन जाए कॉटन प्रोडक्शन में उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कॉटन के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वो भी जरा देखते हैं पीएम मित्रा स्कीम पीएम मित्रा स्कीम के अंतर्गत सेवन टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर तो इट्स नॉट जस्ट फोकस्ड एट कॉटन बट ऑफकोर्स पीएम मित्रा स्कीम विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कॉटन प्रोडक्टिविटी इन आवर कंट्री कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड एक स्पेशल तरीके का कॉटन ब्रांड प्रमोट कर रही है भारत सरकार कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड जिसका मेन जो फीचर होगा वो ये होगा कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की मदद से इसको ट्रेस किया जा सकेगा कि कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं खरीदे जा रहे हैं इट इज बी कंसिडर्ड एज कार्बन पॉजिटिव ऑल्सो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन टेक्निकल टेक्सटाइल हमने न्यूज पेपर एनालिसिस में देखा था टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर दोज टेक्सटाइल्स दैट आर नॉट considered significant for their look or their colors. They are considered significant for their performance. For example, parachute के अंदर जो textile लगेगा. For example, जो आ, आप समझिए jump suit जो workers पहनते हैं, उनको jump suit बनाने के लिए जो कपड़े चाहिए, it must have some specific technical feature. ऐसे आ, टेक्सटाइल्स को कहा जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हमारा देश अभी थोड़ा पीछे है हम लोग मोस्टली डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रमोट करने के लिए हमारे देश में फिर लाया जा रहा है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन उसमें भी कॉटन बेस्ड प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा ड्रोन बेस्ड पेस्टिसाइड स्प्रे के कॉन्सेप्ट लाए जा रहे हैं स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज भारत सरकार ने दो एडवाइजरी ग्रुप बनाए हैं इन ऑर्डर टू सजेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्सोलिडेट कॉटन इंडस्ट्री इन द कंट्री तो यह सारे इनिशियटिव है प्रमोट करने के लिए उसके अलावा भारत के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर को फर्दर प्रमोट करने के लिए भारत सरकार एक मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कराने वाली है जिसका नाम है भारत टेक्स इट विल वर्ल्ड बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट टू टेक प्लेस इन इंडिया ट्वेंटी फोर दिस इज द बोर्ड वर्क The major concern regarding cotton is that earlier it peaked up cotton production from 278 kg per hectare to 566 and now it is again declining. Peak ke piche karan tha BT technology. Decline ke piche karan hai pink bollworm ka resistance develop kar pana Initiatives to boost cotton production ये तमाम tamam initiatives हैं. इस topic के आधार पे main practice question हमने आपको दे रखा है. Attempt this question. ज़रूरत पड़े तो hints पढ़िए, नहीं तो बिना hints पढ़े इस question को attempt कीजिए. जी पॉइंट ऑफ क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो जरा समझते हैं देखिए कुछ ऐसे स्पेशल सब मटीरियल होते हैं ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर अगर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया गया तो दे क्रिएट चार्जेस इनपे दबाव देंगे तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है जिस कारण से दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ चार्जरेगेटिव चार्ज तो नेचुरली इफ इट इज कनेक्टेड वाई आई सर्किट देन द चार्जेज विल फ्लो एंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा गया है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सिंपल वर्ड इज वेन प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस इट लीड्स टू जेनरेशन ऑफ चार्जेस एंड दो चार्जेस लीड्स टू जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस इफेक्ट को कहा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिवर्सिबल ऑल्सो रिवर्सिबल से हमारा मतलब है कि कुछ ऐसे सबस्टांस भी हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्जेस अप्लाई करें तो दे देवलप मैकेनिकल स्ट्रेस अगर आप उसमें चार्जेस अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेस डेवलप करेगा और इसको कहा जाएगा रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि आप जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज प्रोड्यूस करेगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करने वाले लोग साइंटिस्ट जैक्स एंड पीरी क्यूरी। इफेक्ट का कई सारे जगहों पर इस्तेमाल होता है स्टोव लाइटर में इस्तेमाल होता है कर्ज वॉचेस जो वॉचेस होते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है जब नॉर्मल ऐसा है नो स्ट्रेस में जब स्ट्रेस लगाएंगे दबाव देंगे तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया दूसरे तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया एक तरफ सिलिकॉन आइटम है दूसरे तरफ दूसरे ऑक्सीजन आइटम है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन आइटम और तो प्रोटोन राइट तो वैसे तो बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल बट इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट पे तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन तो वेन यू पुट स्ट्रेस ऑन प्रोडक्ट जहां पे सिल्कन ऑक्सीजन है सिल्कन ऑक्साइड कर्ज वॉचेज में तो यही होता है ना सिल्कन ऑक्साइड होता है तो सिलिकन एंड ऑक्सीजन वेन यू पुट स्ट्रेस एक साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है दूसरे टाइम में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सो कर्ज वॉचेस में फिजो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है फायर डिटेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है माइक्रोफोन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है आप देखते होंगे कई सारे शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जैसे ही गेट पे जाते हैं तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं फिर आप जब आगे चले जाते हो दरवाजे बंद हो जाते हैं वहाँ पे भी कई सारे जगहों पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल होता है बेसिकली दरवाजे से थोड़ी देर पहले वो लोग ऐसा सब्सटेंस रखते हैं जिस पे आप खड़े होंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट होगा और वो मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण चार्जेस क्रिएट होंगे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी एन डेट इलेक्ट्रिसिटी अप ऑफ द डोर तो दिस इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज सेवरल प्लेसेज कॉर्च वॉचेस वगैरह में भी इनका इस्तेमाल होता है दिस इज द बोर्ड वर्क आपको मैंने कहा था पिछले वीक भी कि द हिंदू में अच्छे अच्छे अच्छा आर्टिकल आते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो उसको हम लोग कवर करते रहेंगे क्या पता पीटी कहीं डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाए पिछले वीक हमने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो इस्तेमाल होता है फॉर ऑप्टिकल फाइबर तो ऐसे चीजें इन द हिंदू में आती रहती हैं राइट दिस इज द बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इस टॉपिक के बेसिस पेम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज इटे दिस क्वेश्चन